3 साल का ये लड़का है और इसको छोड़ करके इसकी माँ जो है कहीं ना कहीं चली गई है। रही है कि मैं न शादी करूंगी न करने दूंगी, फंसा रहे हैं। किस बात की मांग रही है? अब वही फंसा रहे हैं घर वाले भी, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। कि वो कह रहा है मेरा साला कि उधर 10 साल रहेगी, तुम क्या करोगे। अच्छा। वो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं सब। अच्छा। कि तुम मुकदमा पे भी आओगे ना तो हाथ गोड़ तोड़वा देंगे तुम। कुशीनगर में एक जो पिता है कहीं ना कहीं माँ बना हुआ है, आप ये खबर सुन के चौंक गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कुशीनगर का ऐसा व्यक्ति है जो माँ बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो के फ्रेम में ये व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा। ये कहीं ना कहीं इस बच्चे को पाल पोस रहा है और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये कहाँ का वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि हाटा ब्लॉक का रौना गाँव का मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्यों माँ बना हुआ है इंसान, मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एक सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा था एसडीएम ज्योति मौर्या का, उन्होंने अपने पति के साथ बेवफाई कर दिया है। सेम प्रोसेस इनके भी साथ वही हुआ है, इनकी भी पत्नी इनके साथ बेवफाई कर दी है और इनको छोड़ के चली गई है। लेकिन पूरा मामला जानेंगे कि क्या हुआ था इनके साथ और क्यों छोड़ के चली गई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? लवकुश सिंह। लवकुश जी, मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है, गौरा दुबे शादी हुई थी, उसके भाई का नाम शीशमणि और देवचंद प्रज्ञा नाम है। क्या कुछ हुआ था आपके साथ में? सर 2018 में शादी हुई, उसके बाद वो कहने लगे कि मैं बीएड करूंगी, तो मैंने बीएड यहाँ पे रह के कराया 2 साल। उसके बाद वो कही कि नहीं जॉब भी करना है मुझे, बैठेंगे नहीं, तो हम जॉब भी लगवाए। फिर कोरोना काल आ गया तो जॉब सबकी छूट गई, मेरी भी और उसकी भी, तो दोनों उसके एक महीने बाद मेरा लड़का हो गया 18 अप्रैल 2020 को। फिर हम लोग वहाँ से एक हफ्ते के बाद चले आए, उसके बाद 6 महीने के लीव लेके हम लोग यहाँ थे। फिर हम पहले चले गए जॉब करने लगे, फिर चली 17 या 18 अक्टूबर को 2020 में गई, कही कि नहीं आप नौकरी छोड़ दीजिए, बच्चे को हम नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, तो हमको मजबूरी बस दबाव बनाने लगे सब इसके घर वाले कि नहीं वो बच्चा नहीं संभाल पाएगी, उसको जॉब कंटिन्यू करने दीजिए, आप बच्चा को देख लीजिए। तो मैं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही देख लेता हूँ, क्योंकि वो विकलांग है, हाथ टूटा हुआ है। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं विदेश जाऊंगी इसी कंपनी से, तो मैं पहले तो नहीं कहा। फिर उसके घर वाले, उसके भैया, मेरे घर की पूरा मलिकाई लगे करने कि नहीं वो जाएगी आप बच्चे को। लड़की की जो आपकी पत्नी का भाई था जी सर, वो पूरा मतलब मलिकाना संभालने लगा आपके जी। हाँ। और वही कहा कि पासपोर्ट बनवा दीजिए, वही बनवाया भी, ऑनलाइन कराया, सब कराया। फिर वो विदेश चली गई, विदेश जाने के 1 साल बाद, 1 साल पहले तक तो सब ठीक था, बात करती थी, कोई दिक्कत नहीं था, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है हमारे शादी में 5 साल में। लेकिन उसके बाद ये फोन बंद कर दी और कही कि पहले ही बता रहे थे कि एक लड़का है सर डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उसको बताया कि ये कौन है, तो कही कि बिमलेश नाम का लड़का है। कहाँ का है वो? वो मऊ का बता रही थी कि अच्छा, मऊ जिले का। तो मैं अपने साले से जब ये बात कहा तो वो कह रहा है तुम कौन होते हो, वो जैसा अच्छा। रहेगी जी मनमाना करेगी। आपने अपने साले को ये बात बताया कि आपकी बहन को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने सीधे बोल दिया कि तुम कौन होते हो उसको बोलने वाले। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो दोनों हमारा नंबर ब्लॉक कर दी, मेरा साला भी और मेरी पत्नी भी। अच्छा। और 10 दिन के लिए आई भी थी 15 महीने के बाद, तो तलाक का मुकदमा दायर करके फिर कंपनी में ही चली गई। अब बताइए मैं लड़के को लेके परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मुकदमा? अभी इस वक्त वो कहाँ पे है? अभी वो दुबई है। दुबई है जी। और मदर्शन सोमी सिस्टम लिमिटेड जो सेक्टर 1 नोएडा में स्थित है, C14A C14B में, वो लोग डोनेशन लेके उसको भेजे हैं, 40,000 या 30,000 करके डोनेशन लिए थे, भेज दिए। फिर मैं जब यहाँ से गया तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया दो तब मैं उसको लाऊंगा, यानी वापस बुलाने के लिए 1 लाख रुपया आपसे मांग रहे हैं। सोच के देखिए कि एक ऐसी औरत हैंडीकैप कहा जाए और उस औरत को कहीं ना कहीं विदेश भेजा जाता है कंपनी के थ्रू और वहां से फिर इंडिया वापस बुलाने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड किया जा रहा है। एक अधिकारी एकता मैडम है, वो 40,000 रुपया मांग रही थी और एक शैलेश सर है वो कहे कि 1 लाख दोगे मैं तुरंत भेज दूंगा। तो मैंने कहा सर मैं पैसा थोड़े कमा रहा हूँ 3 साल से। तो फिर वापस कैसे आई थी वो? वो जैसे मैं बच्चे को लेके गया तो वापस भेज दी, और फिर जब एक गई है तो मुकदमा का एप्लीकेशन लगा के गई। मुकदमा किस चीज को लेकर की है? तलाक का, कि आपका जी की मैं आपका अधिकार छीन रही हूँ, आप मुझे कहीं जाए कहीं आए रोक नहीं सकते हैं। आपने उसे घर पे पढ़ाया भी लिखाया था जी, बीएड करा, बीएड आई एमए करके आई थी तो बीएड कराया था मैं। सोचिए भाई, जिस तरीके से एसडीएम यानी ज्योति मौर्या का हाल हुआ है वही हाल यहाँ भी हुआ है कि ये जो है अपने पत्नी को बीएड कराए और कहीं ना कहीं नौकरी दिलवाए
और वही पत्नी आज इनको लात मार रही है, तलाकनामा याचिका दायर की हुई है कोर्ट में कि इनसे तलाक चाहिए। और तलाक के बाद से अब वो क्या चाहती है, मतलब तलाक चाहती है कि वो हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाए? नहीं सर, वो कह रही थी कि मैं आऊंगी, फिर कह रही है कि मैं न शादी करूंगी न करने दूंगी, फंसा रहे हैं। तलाक किस बात की मांग रही है? अब वही फंसा रहे हैं घर वाले भी, पता हाँ। नहीं क्या चाह रहे हैं कि वो कह रहा है मेरा साला कि उधर 10 साल रहेगी, तुम क्या करोगे? अच्छा। तुम अपने बच्चे को देखो और कमाओ। आपको किसी पे शक भी है कि वो किसी के साथ रिलेशन में है? सर वो तो वही जानेगी, लेकिन वही लड़का जो डिस्टर्ब कर रहा है, हमको लग रहा है वही बहला फुसला रहा है उसको, पूरा परिवार उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इस लड़की का पूरा सपोर्ट कर रहा है जी, उस परिवार का जी। अब सोचिए भाई, ये कितने साल का लड़का है? 3 साल का है। 3 साल का ये लड़का है और इसको छोड़ करके इसकी माँ जो है कहीं ना कहीं चली गई है और यहाँ वापस आना नहीं चाहती है। ऐसे समाज में जो महिलाएं हैं, जो पति अपने पत्नियों को पढ़ा लिखा दे रहे हैं, कुछ काबिल बना दे रहे हैं, और वही पत्नी पतियों को तलाक देने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके का जो खबर है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कई सारे ऐसे मामले सामने आया हुआ है। और जो उसके मायके वाले लोग हैं, वो लोग आपको क्या कह रहे हैं? वो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं सब। अच्छा। कि तुम मुकदमा पे भी आओगे ना तो हाथ गोड़ तोड़वा देंगे। तो मैं एक डेट छोड़ दिया हूँ जी सर, मैं कैसे जाऊँ? उधर ही ससुराल है, सारे रिश्तेदार उधर ही है। मेरा साढ़ू कह रहा है कि मारुति है, वो वही मरवा देंगे, छिटा जाओगे। कौन है, क्या नाम? आशुतोष सिंह नाम है, गोरखपुर में रहता है। इमेज पॉइंट करके साई मार्केट में कंप्यूटर की दुकान है सर। अच्छा जी। आपकी शादी किस तरीके का हुआ था सर? अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज जी सर। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुआ था। बारात लेके आप गए जी थे जी सर। अब सोचिए भाई, इस तरीके से जो लगातार ऐसे कारनामे हो रहा है और हर ये पुरुष जो अपने पत्नियों को पढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का मामले को देख करके अब वहीं पर वो ब्रेक लगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं आगे? सर मैं तो यही चाहता हूँ वाइफ और बच्चे को देखे, मैं कमाऊं, लेकिन वो सब आने नहीं दे रहे हैं। सब परिवार वाले भी, वो भी नहीं आना चाहती है। वो कह रही है कि हम 4 साल इधर रहेंगे तो क्या कर लेंगे। परिवार वाले कह रहे हैं वो 10 साल रहे, तुमसे क्या मतलब है, तुम क्या कर लोगे? और मारने पीटने की भी ऑडियो है मेरे पास। वो कह रहा है जी, मेरा साला कह रहा है मैं लिखित देता हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। बताइए वो इसको अधिकार किसने दिया है कि वो कह रहा है कि मैं लिखित होशो हवास में दे रहा हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अब पहले तुम हमसे निपटो, फिर उससे निपटना। कहीं ना कहीं ऐसा कहा कि पहले से उन लोगों का सेटिंग हो गया है कि आपके साथ तो तलाकनामा की जो कागज बन रही है, कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं रहना चाहती, रहना चाहती। पूरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं जी सर। इसमें प्रशासन क्या कर रही है अभी? सर प्रशासन के पास भी गया था तो वो कह रहे हैं कि जब वो लड़की है तलाक देगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और आप तलाक देना चाहते हैं? हम नहीं देना चाहते हैं सर, बच्चा कैसे रहेगा? अभी इतना कुछ होने के बावजूद भी आप तलाक उस महिला को नहीं देना चाहते? जी सर, बच्चे का सवाल है सर, मैं कैसे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर सकता हूँ? लेकिन मेरा साला और साढ़ू है यही सब और बहला फुसला रहे हैं सर जी, कि वो नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, कि तुम्हारा इस समय स्टेटस क्या है, तुम क्या कमा रहे हो इस समय। तो ये बताइए मैं बच्चे लोग के इस समय कहाँ कमाऊंगा? सोचिए, एक जो माँ का कर्तव्य होता है, माँ का जो काम होता है बच्चे को पालना पोषना, वो इंसान कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो माँ को पालना पोषना चाहिए वो माँ कहीं काम कर रही थी और इनको जो नौकरी था छोड़वा दी, बोली कि आप घर पे रहिए, काम इस बच्चों को संभालिए और मैं कमा के खिलाऊंगी। लेकिन वो महिला का जो चरित्र अभी देखा जाए, कहीं ना कहीं कहा जाए चरित्रहीन हो चुकी है सर। वो पूरा परिवार जो है हमारी बात एक नहीं सुन रहा है जी, कुछ भी कहें कि मिलवाओ, बात करो सामने बैठ के, तो कह रहे हैं सब तुम होते कौन हो। अच्छा, इस बच्चे से भी नहीं मिल नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है सर। फिर भी आप उस महिला को रखना चाहते हैं? जी सर, बच्चा है, इसको पालन पोषण कैसे होगा सर? क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? मान सिंह नाम है। मान सिंह नाम है सर। सोचिए भाई, 3 साल का ये जो बच्चा है, क्या इसको समझ में आएगा कि मेरी माँ कौन है? और ये जब बड़ा होगा तो इस क्या सोचेगा उस माँ के ऊपर जो माँ पैदा होने के कुछ दिन के बाद से छोड़ के चली गई पैसा कमाने, और अभी तक ये माँ इस बच्चे से नहीं मिल पाई है। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों के पास पहुंच जाए जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम करना बंद कर दे। बाकी बने रहिए हमारे साथ।